हाँ सभी मैम के पास होगा। एक बार बच्चों को दिखाना है, वो क्विज में दिखा दिया आप लोगों से। पहले जो क्लास आती थी उसका पहले ही कुछ पता था, उनको बता दिया था, तो आज आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड भी होंगे तो बता देना। हाँ पढ़ सकते हैं, सभी चीजें तो रहती ही है, जो घर में रहता है वो भी रहता है, तो आपकी मर्जी, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो या फिर जो आपको लिखाया जाता है वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, नॉन मेटल्स में ये बता रही थी आपको कि टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स की 130 है, अगर ओवरऑल एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो 118 एलिमेंट है, और उसके लिए हमने पढ़ा था जब हम मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो 93 हमारे यहाँ पे मेटल प्रेजेंट थे। ठीक है, लेकिन 118 एलिमेंट को अगर काउंट किया जाए तो सिर्फ 18 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में नॉन एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ये नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नॉन मेटल्स कम क्वांटिटी में होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेटल इतना ज्यादा क्वांटिटी में है फिर भी वो हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो नॉन मेटल है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्यों बताइए। बिकॉज अगर आपकी लाइफ को क्या करना है, सर्वाइव करना है, इन अर्थ अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, और अगर मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखूं तो ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं और वाटर को किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, H2O के फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मेरा क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, एक एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूल बनाए, हमको ये बात पता है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन मेटल, ये मेटल्स नहीं है, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये दोनों रहेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, बिना नेचर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये नॉन मेटल नेचर का है, मेटल हमारा बहुत सारा होता है, चाहे आप आयरन की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सब की बात करो, ये सारे हमारे क्या है, मेटल है। लेकिन अगर हमको सर्वाइव करना है तो क्या इनकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। जो चीजें हमारे पास मेटल की है हम उसको वुड की भी तो बना सकते हैं और अपने बेसिक नीड के लिए या डेली नीड्स के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मेटल उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता एक्सेस क्वांटिटी में होने के बावजूद भी, जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है टू क्वांटिटी में होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों, बिकॉज इनर नेचर, अगर हमको सर्वाइव करना है तो हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारा जो एलिमेंट है वो कौन से नेचर का होता है, नॉन मेटल नेचर का। हाइड्रोजन जो हमारा एक एलिमेंट है वो कौन से नेचर का होता है, नॉन मेटल का। तो आपको आखिर ऐसे पता कैसे चला कि ये जो हाइड्रोजन है इट इज अ नॉन मेटल इन नेचर एंड देन ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल इन नेचर, की बात हमको किसी तरीके से पता चली होगी ना। तो ये बात पता चलती है ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके कैरेक्टर के बेसिस पे आप बोल सकते हो या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे आप ये बोल सकते हो। प्रॉपर्टीज के बेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है किसी भी एलिमेंट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इन अवर नेचर कितने फिजिकल स्टेट में फॉर्म होता है, मैंने बताया था, एक तो सॉलिड हो सकता है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और तीसरा हमारा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस है ओवरऑल नेचर में प्रेजेंट है तो तीन ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, इसके सिवा कोई भी सब्सटेंस किसी और फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात हमने देखा था। अब हमने जब पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स सारे के सारे मेटल्स को अगर आप देखोगे तो हार्ड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो नेचर पे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट।
में एक्सेस भी करते हैं, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, फ्लोरीन की बात करूं, नियॉन की बात करूं, हीलियम की बात करूं, तो ये सारे के सारे आप देखोगे इन आवर नेचर एट द एनटीपी कौन से स्टेट में ये एक्सिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में। सारे के सारे हमारे जितने भी सारे के बोलूंगी कुछ और मेटल्स ऐसे हैं जो कौन से स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं। और इन्हीं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये मेटल ना हो गए क्या है, नॉन मेटल है। That means, जो मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट करता है और जो नॉन मेटल होता है वो गैसियस स्टेट में एक्सिस्ट करता है। अब इन गैसियस स्टेट में एक्सिस्ट करने की वजह से इनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये नॉन मेटल नेचर है, ठीक है। तो हमने इसको पहचानने का तरीका तो ढूंढ लिया। अब इतने सारे जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, गैस के फॉर्म में, हमको दिखता नहीं है। वाटर की बात करूं, आपने उसका वेपर देखा होगा, इसको सांस में अगर लोगे तब ये क्या है, लिक्विड है। जब मैं उसको क्या बनाऊंगी, मॉलिक्यूल बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं तो एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन अवर यूनिवर्स कौन से फॉर्म में मिलता है पूछा जाएगा, तो गैसियस फॉर्म में मिलता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में लगभग 75% जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और सन जो बना हुआ है आप सभी जानते होंगे, उसमें जो हमारा पीसन का वर्क होता है उसपे जो गैस प्रेजेंट है वो भी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन के अलावा उसमें हीलियम गैस भी प्रेजेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है एटमोस्फियर का वो काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये गैस काफी हॉट होती है बोला जाता है। अब देखो, हमको ये तो बात पता चल गई कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो फिजिकल स्टेट मैंने बताया है आपको, वो किसके बेस पर बताया है, एनटीपी के बेस पर। एनटीपी का मतलब क्या होता है, दैट इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी जो हम नहीं बनाते, साइंस में क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल करने के लिए हम मीडियम क्रिएट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे बोला जाएगा कैसा वेदर है या फिर कैसा एटमॉस्फेयर है, तो मैं बोलूंगी एनटीपी का है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें नॉर्मल ह्यूमन में क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, और अगर बोला जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर भी तो 180 है। That is a pressure. इतने pressure और इतने temperature पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, survive कर सकते हैं। तो इस NTP पर अगर कोई substance solid state में exist कर रहा है, जिसको element की category में रखा गया है, तो उसको आप क्या बोलोगे, metal बोलोगे। इस temperature और pressure पर अगर कोई element ऐसा है जो gaseous state में exist कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, non metal बोलोगे, ठीक है। इतनी बात हमको समझ आ गई किसके बेसिस पे, नॉर्मल टेम्परेचर के बेसिस पे। अब इस फिजिकल स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बताइए, किस बेस पे हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मेरा सॉलिड है, ठीक है, एट अ एनटीपी, और मुझे उसका फिजिकल स्टेट चेंज करना है, मुझे या तो उसको लिक्विड बनाना है या तो मुझे उसको गैस बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर सॉलिड है जैसे पानी का ही एग्जांपल दो, सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा, आइस है। अब आइस को मुझे मेल्ट करना है, मैं उसको क्या प्रोवाइड करूंगी, हीट प्रोवाइड करूंगी। आप सभी जानते हैं, और हीट प्रोवाइड कर रही हूं मतलब मैं इसको क्या गिव कर रही हूं, टेंपरेचर गिव कर रही हूं ना। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो आइस है वो कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री फिजिकल स्टेट में चेंजेस आएगा या नहीं, ऑब्वियसली सी बात है आएगा। 20 डिग्री करूंगी और ज्यादा चेंजेस आएगा। मतलब अगर टेम्परेचर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको एनटीपी नहीं बोला जाता है। इस बात को
याद रखिएगा, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल कंडीशन, जब हम अपने मीडियम पे किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं करते और जिस ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट जो है वैसा ही रहता है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो फिजिकल स्टेट है उसको मैंने बनाया है, वो एक्चुअल में उस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो इस बात को? इसके बाद अगर मुझे लिक्विड के फिजिकल स्टेट में चेंज करना है, जैसे हमारे बॉटल पे अभी पानी होगा, वो पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा एट एनटीपी, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उस लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या गिव करूंगी इसको? टेम्परेचर गिव करूंगी ना, ऑब्वियसली सी बात है। और मुझे बहुत जल्दी उसको वेपराइज करना है, तो मैं उसके ऊपर एक कैप लगा दूंगी, दैट इज अ प्रेशर। उसने प्रेशर जनरेट कर दिया मैंने, तो मैं उसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड करी और मैंने उसको प्रेशर भी दे दिया। समझ रहे हो? तो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, इन दोनों में चेंजेस करके हम किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में क्या क्रिएट कर सकते हैं? चेंजेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा। और ये जो सॉलिड लिक्विड और गैस मैं बोल रही हूँ, आपका डाउट में इस वजह से यहाँ पे आपको डाउट आया होगा कि सारे सॉलिड क्यों होते हैं, सारे गैस क्यों नहीं होते, सारे लिक्विड क्यों नहीं होते। तो मेन बात यही होता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट का एट अ एनटीपी फिजिकल स्टेट कैसा होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो डिफरेंट स्टेट उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे होता है। जैसे एनटीपी पर कोई सॉलिड होता है, एनटीपी पर कोई गैस होता है, एनटीपी पर कोई लिक्विड होता है, तो वो उसका खुद का क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है। जैसे हम इन अ सॉलिड फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को अगर कोई बर्न करेगा तो हमारी बॉडी सॉलिड रहेगी क्या? स्कीन पूरा क्या होता जाएगा? बर्न होता जाएगा, देन मेल्ट होगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट फिर चेंज होगा ना। सेम एज वैसा ही प्रोसेस है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कोई एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है तो उसको बोला जाएगा मेटल, और कोई एलिमेंट अगर गैसियस स्टेट में है तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। बट इन अवर नेचर कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये नॉन मेटल अगर आप बोलोगे तो हमारा क्या हो जाता है? क्रोमीन हो जाता है, ठीक है। इसको Br से डिनोट किया जाता है। ये आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, विच नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? आपका आंसर क्या होगा? Br, दैट इज कॉल्ड अ क्रोमीन, या फिर हम इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। और इन अ पीरियोडिक टेबल ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है पूछा जाएगा, तो पीरियोडिक टेबल में ये 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको क्या बोला जाता है? हैलोजन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब इसी के जैसे कुछ और एलिमेंट्स हैं जो हमारे नेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कार्बन है आपका, आयोडीन है, इसके अलावा फॉस्फोरस है, सल्फर है, सेलेनियम, ठीक है। इन एलिमेंट्स का नाम आप याद रखिएगा। ये सारे के सारे कौन से फॉर्म पे? नॉन मेटल्स है बट कौन से फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब बात आती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए? पीरियोडिक टेबल चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था ना, कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? अभी तो पढ़ना स्टार्ट करिए। टोटल 18 ग्रुप आपका क्या होता है पीरियोडिक टेबल में होता है, और लगभग 7 क्या प्रेजेंट होते हैं? पीरियड प्रेजेंट होते हैं। इस साइड पे होता है 7 पीरियड और इस साइड पे होता है टोटल 18 कॉलम के फॉर्म पे, ठीक है। अच्छा के देखना, इसमें से इस 18 में से अगर मैं बात करूं तो 13 to 18 फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों आपकी कौन सी मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
और ये 14 एलिमेंट का एक ग्रुप है। देख लेना जाके पीरियोडिक टेबल में चैप्टर 4 पे दिया हुआ है। इन 14 एलिमेंट के ग्रुप को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी इनर ट्रांजिशन मेटल में जो भी आपका मेटल या एलिमेंट आता है वो रेडियोएक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। बाकी कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं होता। रेडियो एक्टिव का मतलब एक बार और बताया था, रेडियो एक्टिव का मतलब क्लास में हाइड्रोजन बॉम्ब बनता कैसे है ये बताओ।
चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।